नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज और आपके साथ मैं हूं अजिता। जॉन टावर के पार्टनर एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव रज्जी जॉन ने आज जॉन टावर में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस का प्रदेश अधिकारी एवं भाजपा की नीतियों एवं रीतियों के खिलाफ लगातार 35 वर्षों तक बोलने के कारण भाजपा सरकार एवं नेताओं के इशारे पर नगर निगम प्रशासन के माध्यम से जॉन टावर को निशाना बनाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि विगत 2 हफ्तों से अखबारों के माध्यम से स्थानीय नगर निगम प्रशासन लगातार कुत्सित प्रचार प्रसार कर रहा है, वहीं निगम द्वारा की जा रही कार्यवाही अवैध है और शुद्ध राजनीतिक दबाव में लिया जा रहा निर्णय है और कार्यवाही है, जिसका जोरदार विरोध न्यायालयीन स्तर पर, राजनीतिक स्तर एवं स्थानीय स्तर पर किया जाएगा। सबसे पहले तो मेरा ये आरोप है, ये जितने भी कार्य हो रहे हैं ये सब भाजपा सरकार के इशारे पे हो रहे हैं। राजनीतिक विद्वेषवश मेरे को निशाना बनाया जा रहा है। जैसा कि सब लोग जानते हैं, मैं कांग्रेस पार्टी का एक सक्रिय कार्यकर्ता हूं। मेरे ही इकट्ठे किए गए डॉक्यूमेंट और RTI के तहत जो मैंने जानकारियां जुटाई थी उसमें विधानसभा क्वेश्चन लगा और कई प्रकार के पत्राचार भी उस समय मेरे द्वारा करवाए गए और उसकी काफ़ी हद तक इंक्वायरी हुई थी। हाई कोर्ट में भी मैं उसको लेके गया था, विधानसभा क्वेश्चन भी उसमें उठा था। तो मेरा यह सीधा सीधा आरोप है कि भाजपा के स्थानीय और भाजपा के जो प्रदेश स्तर के नेता हैं उनके इशारों पर मुझे और साथ ही रमा गोविंद पैलेस, वो भी पारिवारिक रूप से राहुल भैया से जुड़े हुए हैं, कांग्रेसी हैं, केवल इन 2 प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया जा रहा है और ये कार्यवाही की जा रही है। तो एक मुद्दा मिल गया है कि सड़क सुरक्षा सप्ताह में DSP मनोज वर्मा जी ने आपके कॉम्प्लेक्स के बारे में ये कहा है कि यहाँ पे रोड में गाड़ी खड़ी कर रहती है और IG साहब और कमिश्नर साहब यहाँ सामने से निकलते हैं तो उनकी गाड़ी यहाँ रुक जाती है। तो मैंने उनसे कहा कि रोड में अगर कोई गाड़ी खड़ी रहती है तो उसकी जिम्मेदारी रज्जी जॉन की नहीं है, रोड में गाड़ी खड़ी रहती है तो ट्रैफिक वालों की जिम्मेदारी है, उठाएं और ले जाएं। शिल्पी प्लाजा के सामने आप लोगों के अधिकांश कार्यालय शिल्पी प्लाजा में है, शिल्पी प्लाजा के सामने 4-व्हीलर पार्किंग अलाउ है? नहीं है। वहाँ आती है तो ट्रैफिक वाले उठाए ले जाते हैं। तो जॉन टावर के सामने भी अगर रोड में जो सफ़ेद पट्टा पड़ा है उसके सामने अगर हो तो आप लोग ट्रैफिक वाले उठा के ले जाए, मेरी जवाबदारी नहीं। हमारा गार्ड 3-3 रहता है सामने, वो अगर किसी को रोकने जाता है तो वो बोलता है तुम्हारे बाप की रोड है, हम रोड में गाड़ी खड़ी करेंगे। तो ये ट्रैफिक पुलिस की जवाबदारी है कि वो वहाँ से उठा के ले जाए, मेरी जवाबदारी नहीं है। उनने कहा हमारे ऊपर दबाव है कि किसी भी तरीके से आपके टावर की कोई भी कार्यवाही की जाए। तो मैंने कहा आप नक्श लाएं, तो मैंने कहा कि मैं देता हूँ। तो व्यक्तिगत में जाकर नगर निगम कमिश्नर साहब से मिला और मैंने पूरे नक्शे मैंने दिए, मैं शासन को ये अधिकार है कि परमिशन आपकी कैंसिल कर सकते हैं। तो हमने कहा कि बिल्कुल, मैं अधिवक्ता भी हूँ, बिल्कुल शासन तो पूरे मध्य प्रदेश में आपका घर भी अधिग्रहित कर सकता है, हमारा घर भी अधिग्रहित कर सकता है, पूरा जॉन टावर अधिग्रहित कर सकता है, सब संपत्ति शासन की है, पूरा रीवा अधिग्रहित कर सकता है, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया होती है, आपको मेरे को नोटिस देना पड़ेगा, पूरा जॉन टावर आप अधिग्रहित कर लीजिए लेकिन उसका मुआवजा दीजिए और विधिवत करिए। इसी तरह देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।